हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का करंट हीवन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अर्चना पटेल आप सभी का ईवीएस की कक्षा में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे पर्यावरण अध्ययन। सबसे पहले चैप्टर ना पढ़ के हम लोग ये सीखेंगे कि पर्यावरण होता क्या है और कहाँ से चीज़ें आती हैं इसमें और कहाँ से हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर? जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि पर्यावरण शब्द हमारा आया कहाँ से। तो दोस्तों, पर्यावरण शब्द जो है हमारा वो इंग्लिश के इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नंबर का आ जाता है कि पर्यावरण शब्द कि या तो पूछेगा कि कहाँ से आया है, यानी किससे लिया गया है, या तो फिर उसका मतलब पूछ लेगा कि पर्यावरण का मीनिंग क्या होता है। तो उसको अभी हम डिटेल में सीखते हैं कि क्या होता है। तो पर्यावरण हमारा इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है, और पर्यावरण हमारा आया कहाँ से, यानी कि जो इन्वायरमेंट का तो हिंदी रूपांतरण है, लेकिन ये इन्वायरमेंट शब्द कहाँ से आया। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से आया है। ठीक है दोस्तों, किससे आया है? इन्वायरमेंट शब्द जो है हमारा फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से आया है। ठीक है, इससे इन्वायरमेंट बना है, और इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को अब हम लोग सीखते हैं कि पर्यावरण हमारा दो भागों में टूट सकता है। किसमें किसमें? परिधन आवरण। आप लोगों ने संधि विच्छेद इसका किया तो क्या निकला? परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे आसपास का जितना भी वातावरण है, जो भी चीज़ें हैं आसपास की, वो सब हमारी पर्यावरण में आती हैं। तो पर्यावरण में वैसे हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो आती हैं हमारी जैविक घटक, नंबर वन जैविक घटक, अजैविक घटक और वातावरण। ये तीन चीज़ें हमारे पर्यावरण में आती हैं, इन्हीं का हमें अध्ययन करना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं के तहत हमको जो अध्ययन करना है, इन्हीं के तहत करना है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इन्वायरमेंट हमारा जो है वो उसका मतलब होता है पर्यावरण, और जो पर्यावरण है हमारा वो इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। अब बात पूछे कि इन्वायरमेंट आया कहाँ से, तो इन्वायरमेंट आया है हमारा इन्वायरनर से, और इन्वायरनर कहाँ का है? तो फ्रेंच भाषा का है। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? परिधन आवरण, जिसका मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। और पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो जैविक घटक, अजैविक घटक और वातावरण। हमें इन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब डिटेल से पढ़ते हैं कि जैविक घटक में क्या क्या आता है, और अजैविक घटक में क्या आता है, और वातावरण में क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, जैविक घटक, जैविक घटक में हमारा आता है वनस्पति, जंतु, पशु, पौधे। ठीक है, और क्या आता है? अपघटक, यानी कि जैविक घटक में हमारा आता है वनस्पति, जितनी भी वनस्पतियां हैं वो आती हैं, जंतु आते हैं, और क्या आता है? पौधे आते हैं, और अपघटक आते हैं। अपघटक क्या है? डिटेल में अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बता देती हूँ मैं। अपघटक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैविक से अजैविक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैविक को अजैविक में कन्वर्ट करते हैं, यानी बदलते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अपघटक। अपघटक से भी क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अजैविक में हमारे दोस्तों दो टाइप के आते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे महासागर होते हैं, और एक महाद्वीप होते हैं। अजैविक में दो टाइप होते हैं, महासागर और महाद्वीप, ये दोनों आते हैं। महासागर में हमारा आ जाता सबसे पहले सागर, फिर नदी, फिर झील, फिर तालाब, फिर समुद्र। यानी छोटे से हम लोग ऐसे सीखेंगे। ठीक है, सागर, नदी, झील, तालाब। सबसे छोटा तालाब होता है, उसके बाद फिर झील, सागर, नदी, समुद्र। महाद्वीप में क्या आते हैं? जितने मैदानी भाग आते हैं वो हमारे महाद्वीप में आते हैं, जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत। और जितने हमारा पानी वाला क्षेत्र है वो हमारे हो जाते हैं महासागर, यानी सागर, नदी, झील, तालाब, पर्वत। और पर्वतीय जितने, यानी कि मैदानी भाग जो होते हैं, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो, पर्यावरण में हमें पढ़ना क्या है? जैविक घटक, अजैविक घटक और वातावरण। जिसमें से जैविक घटक में हमारे आते हैं वनस्पति, जंतु, पशु, पौधे, अपघटक। ठीक है, अपघटक क्या है? अपघटक सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं आपको पता ही होगा, जैसे किसी चीज़ को खाते हैं,
फिर उसे पचा के फिर पुनः मिट्टी बना देते हैं, ठीक है। तो यानी किसी जीवित चीज़ को अपघटित करके उसको अजैविक में कन्वर्ट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, अपघटक कहलाता है, ठीक है। और अजैविक में हमारे महाद्वीप और महासागर आते हैं, जिसमें से महासागर में जितना जलीय क्षेत्र होता है, इसमें हमारा दोस्तों जलीय आता है, जलीय, आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और महाद्वीप में हमारा मैदानी क्षेत्र आता है, ठीक है, जितना मैदान होता है वो सब, जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, ये सब हमारे महाद्वीप में आते हैं। क्लियर, इससे भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपका अभी यहाँ नहीं क्लियर हुआ है तो आगे और क्लियर हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी होना, तो क्वेश्चन मैं आज नहीं करवाऊँगी ज़्यादा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो बस इसलिए, ठीक है। देख लेते हैं पर्यावरण होता क्या है हमारा। तो दोस्तों ये है हमारा इन्वायरमेंट, जितना आसपास का ये वातावरण है ये सब हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट नोट में आप लोग लिखिएगा नोट में कि जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक कहलाता है। बात आ गई ना अपघटक वाली, तो अपघटक कहलाता है। अपघटक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, क्लियर। दोस्तों मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, फॉर दिस एग्जांपल, जैसे कि कोई जंतु की मृत्यु हुई, यानी कि किसी जानवर की मृत्यु हुई, तो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उसे खा खा के पचा के फिर उसको पुनः मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, भाई मिट्टी बन जाती है ना, उसे जब जीव खाते हैं, सूक्ष्म जीव, बड़े जीव थोड़ी ना खाएंगे, सूक्ष्म जीव जब खाएंगे तभी तो उसको पचा के फिर उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही है, जैविक घटक में हमारी जीवित चीज़ें आती हैं और अजैविक घटक में हमारी मृतक चीज़ें आती हैं, जिनमें कि जान नहीं होती है। तो जिनमें जान है और उसको जब ये खाएंगे सूक्ष्म जीव, तभी तो अजैविक में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि फॉर दिस एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं और लेती हूँ, जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, मानो हम लोगों को चलो आग दी जाती है, सूक्ष्म जीव कहाँ से खाएंगे, बट जो लोग मुस्लिम होते हैं जिन्हें दफनाते हैं, तो दफनाने के बाद उनमें दमक वगैरह डाला जाता है, जो उन्हें दफन किया जाता है, तो उन्हें वो कीड़े ही तो खा के मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं। बस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अब सारे हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, यानी कि भविष्य में होने वाले शिक्षक, सभी को अच्छे से आ गया होगा समझ में। उसके बाद एक नोट और करके आप लोग और लिखेंगे कि अब घटक यानी अपघटक, दोस्तों यहाँ पे गलत लिख गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अपघटक जैविक घटक की श्रेणी का तत्व है, यानी कि जो, देखिए एक मिनट, जहाँ जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है ना, ये थोड़ा सा साड़ी बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, ये जैविक घटक का है, आप लोग इंडेक्स बना लीजिएगा, मतलब कि ऊपर लिख लीजिएगा, ये जैविक घटक के हैं और ये दोनों जो हैं ये अजैविक घटक के हैं, ठीक है, ये दोनों हमारे अजैविक घटक के हैं। तो आप लोग इंडेक्स को थोड़ा ऊपर एक कॉलम और कर लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, ये दोस्तों दोनों हैं अजैविक घटक के और ये हैं जैविक घटक के, ठीक है। तो बात क्या है नोट करने में, कि जो अपघटक है हमारा वो जैविक घटक की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर बात है भाई, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, और नोट में भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा अपघटक है वो किस में आता है, तो वो हमारा जैविक श्रेणी में आता है, ठीक है। यहाँ पे अपघटक आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगी। एक नोट करके आप लोग और लिखिएगा कि वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला भी अपघटक है, यहाँ भी पर भी मिस्टेक हुआ है, अपघटक है, ठीक है। यानी देखो दोस्तों, वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला अपघटक है, किसी वनस्पति का सड़ना गलना भी किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा ही होता है, और किसी जंतु की मृत, मतलब जिंदा में तो उसे नहीं खा पाएगा कोई भी सूक्ष्म जीव, लेकिन उसकी मृत्यु होने के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं ना, कीड़े खाते हैं, तो वही बात है कि वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला जो है अपघटक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक प्रोसेस देख लेते हैं कि जैसे कि कोई पौधा है, पौधे को कोई शाकाहारी खाया, मांसाहारी खाया, फिर उसमें अपघटक यानी सूक्ष्म जीव लगे, सूक्ष्म जीव ने उसको फिर कन्वर्ट कर दिया मिट्टी में, फिर मिट्टी में प्रोसेस बार बार चेंज होता है। एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ, वन सेकेंड दोस्तों, कोई पौधा है, ठीक है, उसको किसी शाकाहारी ने खाया या मांसाहारी ने खाया,
कोई भी खा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सोच समझ लीजिए, आप लोगों ने शाकाहारी ने खाया और एक मांसाहारी ने खाया। फिर खाने के बाद उसकी जब मृत्यु हुई तो उसमें अपघटक यानी कि सूक्ष्म जीव लगे, ठीक है, मतलब लगे क्या, उसको नष्ट किया। लगने के बाद उसके मरने के तत्पश्चात, पहले ही नहीं मरने के तत्पश्चात, तो उसमें जब सूक्ष्म जीव लगे तो सूक्ष्म जीवों ने मिलके उसको जो है अपघटित कर दिया। करने के बाद उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया, अपुन मिट्टी बन गई। मिट्टी बनने के बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा भाई, मिट्टी में ही तो पौधे उगते हैं, फिर से पौधे उगे, फिर किसी पौधे को शाकाहारी ने खाया, मांसाहारी ने खाया, फिर वो मर गए। मरने के बाद उसमें सूक्ष्म जीव लगे, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, फिर से उसको अपघटित करके मिट्टी बना देंगे, फिर प्रोसेस ख़त्म हो गया, फिर दोबारा प्रोसेस होगा। मतलब ऐसे ही प्रोसेस एनवायरनमेंट में चलता रहता है, तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। फिर एक नोट करके आप लोग लिखिएगा कि स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को मिलाकर जैवमंडल बनता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि जैवमंडल क्या है, तो दोस्तों स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को मिलाकर जैवमंडल बनता है। जब ये तीनों मंडल होंगे तभी किसी मनुष्य का जीवन संभव है। जहाँ पर मनुष्य रहते हैं उसे ही जैवमंडल कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे पॉसिबल तभी हैं भाई, जब रहने का स्थान होगा तभी तो मनुष्य रहेगा। जब उस वायुमंडल होगा यानी उसके लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके ज़रूरत के हिसाब से जितनी गैसें होंगी तभी तो इंसान वहाँ पर रह पाएगा। फिर उसको पीने के लिए पानी भी तो चाहिए, तो जल मंडल जहाँ पर होगा वहीं पर तो इंसान रह पाएगा। तो आप लोग इसको कॉन्सेप्ट ऐसे माइंड में बना के रखिए कि आपको कहीं पर रहना है तो आपको रहने के लिए ज़मीन यानी कि मैदान भी चाहिए, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी पीने के लिए जल भी चाहिए, तभी उसी जगह पे रह सकते हैं। तो फिर जहाँ पे रह रहे हैं आप, मतलब कि ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो आप रह रहे हैं वहाँ पे, तो फिर आपका वो भाग उतना क्या कहलाएगा, जैवमंडल कहलाएगा, ठीक है। ये पॉइंट नोट करके आप लोग लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ऐसे भी उठ के आ सकता है या फिर ऐसे भी आ जाएगा कि जैवमंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं, या फिर बोल देगा कि स्थल मंडल किसका भाग है, ठीक है। तो आप इसको नोट करके रखिएगा, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन करेंगे आप लोग, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर जैवमंडल, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर, यानी पृथ्वी का वह भाग जहाँ जल, स्थल, वायु तीनों रूप सम्मिलित होते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गई, वाह वाह लिख गया है, आई एम सॉरी इसके लिए, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जल स्थल और वायु तीनों रूप सम्मिलित होते हैं, ठीक है, वही जैवमंडल है। यानी कि जो लाइन यहाँ पे मैंने आपको बताया बस उसी को एक दूसरी तरह से पूछा जाता है, तो उसको मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, और यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये वायु है, ओके। पीडीएफ मैं दूंगी तो उसमें सही कर दूंगी, करेक्ट कर दूंगी, ठीक है। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर जल, स्थल, वायु तीनों का रूप सम्मिलित होता है वही जैवमंडल कहलाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, यानी कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। दोस्तों ये इस प्रकार से एक डायग्राम है जिसको आप लोग समझने का प्रयास करिए कि जहाँ पर ये हमारी मिट्टी हो गई, स्थल मंडल, ठीक है, ये पानी वाला भाग जलमंडल हो गया, ये वायुमंडल, तो तीनों का रूप जब सम्मिलित हुआ तो बीच का भाग हमारा क्या कहलाया, जैवमंडल, ठीक है। तो पर्यावरण के घटक दोस्तों हमारे कौन कौन से हैं, तो पर्यावरण के घटक नोट में लिखिए आप लोग कि तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमारा होता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, तीन हमारे पर्यावरण के घटक होते हैं, आप लोग नोट में लिखिए इसको। फिर स्थल मंडल का पृथ्वी पर भाग कितना है, तो 29% है। कितना है दोस्तों, ये हमारी ग्लोब हो गया, ठीक है, सॉरी पर मैं इसको सही से बनाती हूँ, ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है। तो नोट में आप लोग लिखिए कि पृथ्वी, भाई ये हमारी पूरी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पर स्थल मंडल का जो है, स्थल मंडल हमारा 29% है। कितना है, 29%, आप लोग याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है कि जल मंडल का पृथ्वी पर भाग 71% है, यानी कि 100% की हमारी पृथ्वी है, 100% की हमारी पृथ्वी है, जिसमें से
29% हमारा स्थल मंडल है और जल मंडल 71% है, यानी जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट आप लोग लिखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे अधिक जल पाया जाता है 81%। कितना पाया जाता है? 81%। और दक्षिणी गोलार्ध में, अभी मैं इसको डायग्राम से आपको समझाती हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिले तब मैं आपको समझाती हूँ। और एक नोट और लिखिएगा कि दक्षिणी गोलार्ध को ही जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल सबसे अधिक पाया जाता है, तो सीधी सी बात है कि दक्षिणी गोलार्ध को इसीलिए जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। दोस्तों ये हमारी हो गई पृथ्वी, ठीक है। अब क्या क्या नोट मैंने करवाया था कि पृथ्वी पर जो है स्थल मंडल, स्थल मैं सिर्फ मंडल नहीं लिख रही हूँ, स्थल लिख रही हूँ, ठीक है। स्थल आपका है 29%। कितना है? 29%। और ये हमारी है पृथ्वी। अब इसमें जल कितना है? जल हमारा है, यानी कि स्थल मंडल हमारा 29% है और जल हमारा 71% है। दोस्तों कितना है? 71%, ठीक है। और उसके बाद फिर बात आई थी कि जो हमारा दक्षिणी भाग है उसमें जल सबसे अधिक है, तो दक्षिणी भाग कौन हो गया? ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। तो फिर हमारे दक्षिणी यानी कि इस भाग में हमारा, इस भाग में हमारा सबसे अधिक जल है, ठीक है। सबसे अधिक जल हमारे दक्षिणी भाग में है, समझ में आया आप लोगों को? यानी कि इस भाग में हमारे सबसे अधिक जल है, इसी वजह से इसी दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है, इसीलिए इसको जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊँगी। और मैं कुछ आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो कल हमारा आएगा, सॉरी कल तो आपका CDP आएगा, तो एक दिन आप, हाँ दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बताया दे रही हूँ कि एक दिन आपकी CDP आएगी और एक दिन आपका एनवायरनमेंट आएगा। तो आज आपका एनवायरनमेंट आया तो कल आपकी CDP की क्लास आएगी, तो एनवायरनमेंट की क्लास नेक्स्ट डे मिलेगी। तो जब एनवायरनमेंट की मिलेगी तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पारिस्थितिकी, ठीक है, क्या होता है, कि इनके जनक कौन हैं और ये होता क्या है। और वो टॉपिक बहुत छोटा सा है तो उसमें मैं क्वेश्चन पूरे इंक्लूड करूँगी, पूरे जोड़ूंगी, एनवायरनमेंट का, पारिस्थितिकी का, दोनों का मिला के मिक्सअप मैं कम से कम क्वेश्चन आपको करवाऊँगी, ठीक है। तो तैयार रहिएगा आप लोग अगले वीडियो का, वेट करिए आप लोग, और उसमें आप ढेर सारे क्वेश्चन करिएगा, अपने आप को जांचिए कि आप लोगों को कितना समझ में आया। आज मैं क्वेश्चन इसी वजह से नहीं इंक्लूड कर रही हूँ कि ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। जो जितनी भी हमारी गृहिणी हैं, यानी कि जो जो हाउसवाइफ हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, या फिर जिनको समय कम है, तो वो 20 मिनट में, दिन का सिर्फ 20-20 मिनट आप निकालिए और अपना EVS CDP बहुत ही अच्छे से पढ़िए, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ रखा है, आप लोगों ने अगर अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आराम से बता लेंगे। अगर आज आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो जब अगली वीडियो आएगी वैसे मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आज मैं नहीं बता रही हूँ इस वजह से कि आप लोग थोड़ा अपना माइंड लगाइए, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। फिर पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है कि किन दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण के घटक कितने होते हैं ये भी आप लोगों को पता है, वैसे मैं बता देती हूँ, तीन। अब आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से होते हैं। फिर जलीय गोलार्ध किसे कहा जाता है, अभी बिल्कुल लास्ट में मैंने बताया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, लाइव नहीं देख पाए कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, आप बताइएगा, हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। और जो बच्चे लाइव क्लास देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब कुछ बताते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।